मिली शरण गोप जी। देखिए नमन मैथिली शरण गोप जी साहित्य सोपान किया। युग गुरु साहिब के उनके लिए पंक्तियां हैं कि नमन मैथिली शरण गोप जी साहित्य सोपान दिया। भाषा का सम्मान बढ़ाकर माँ हिंदी को मान दिया। भाषा का सम्मान बढ़ाकर माँ हिंदी को मान दिया। अब देखिए पर देखिए जयद्रथ ये रचनाएं हैं इनकी। जयद्रथ वध साकेत रचा फिर द्वापर महसू रचा जय भारत। विष्णु प्रिया से रंधी रच कर रत्नावली की लिखी इबादत। यशोधरा और पंचवटी से ग्रंथों का अनुदान दिया। नमन मैथिली शरण गोप जी साहित्यिक सोपान दिया। और देखिए नारी की पीड़ा को समझा। नारी की पीड़ा को समझा असह वेदना लिख डाली। नारी की पीड़ा को समझा असह वेदना लिख डाली। यशोधरा साकेत को पढ़ लो विरह वेदना लिख डाली। स्त्री प्रेम को धुरी बनाकर स्त्री प्रेम को धुरी बनाकर नारी को स्वाभिमान दिया। नमन मैथिली शरण गोप जी साहित्यिक सोपान दिया। तालियां भी गीत में बजा सकते हो आपको। नमन मैथिली शरण गोप जी साहित्यिक सोपान दिया। और अंतिम बंद है देखिए कि भारत की आजादी में भी योगदान इनका अतुलित। भारत की आजादी में भी योगदान इनका अतुलित। इनकी कविताओं से हो गए आजादी के पुष्प पल्लवित। इनकी कविताओं से हो गए आजादी के पुष्प पल्लवित। और राष्ट्रपिता गांधी जी ने तब राष्ट्र कवि सम्मान दिया। और राष्ट्रपिता गांधी जी ने तब राष्ट्र कवि सम्मान दिया। नमन मैथिली शरण गोप जी साहित्यिक सोपान दिया। भाषा का सम्मान बढ़ाकर माँ हिंदी को मान दिया।